विद्या विकास मंडल स्कूल में नेत्र जांच शिविर का आयोजन। मुंबई की गैर सरकारी संस्था जनता कल्याण केंद्र ने पूरे मुंबई से कटरैक्ट यानी मोतियाबिंद जैसी आंखों की बीमारी से लोगों को निजात दिलाने की ठान ली है। अपने इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए जनता कल्याण केंद्र ने मुंबई के स्कूली बच्चों से ये शुरुआत कर दी है। इस संस्था ने अंधेरी के उर्दू स्कूल के बाद अंधेरी पश्चिम के विद्या विकास मंडल स्कूल में अपना कैंप लगाया, जहां सैकड़ों की संख्या में बच्चों की आंखों की जांच की गई। आंखों की जांच का ये काम लोटस आई हॉस्पिटल के सहयोग से किया जा रहा है। आंखों की जांच के बाद अगर जरूरत पड़ी तो बच्चों को मुफ्त में चश्मा भी मुहैया कराया जाता है। इस काम से स्कूल का प्रबंधन भी काफी खुश हुआ। लोटस की तरफ से हमारे स्कूल के बच्चे जो अब प्राइमरी से लेकर 10वीं तक के सभी स्टूडेंट्स के यहाँ आई चेकअप हो रहे हैं। सभी बच्चे जो है, ये बच्चे हमारे बहुत से ऐसे बच्चे हैं कि जो गरीब घर के हैं, उनके खाने में पोषण आहार उन्हें नहीं मिल रहा है, शायद उसकी वजह से हो सकता है, या उनके कुछ अलग प्रॉब्लम है, उनकी वजह से उनके आँखों में कोई प्रॉब्लम है, उसकी जांच करने के लिए आज ये आई कैम्प बिठाया है। और लोटस की तरफ से हम बहुत आभारी है उनकी तरफ से कि हमारे बच्चों की यह आई टेस्ट हो रही है। बच्चों के जो जो आई के आँखों के प्रॉब्लम है उनकी जांच होगी, और जांच करने के बाद उनकी जो प्रॉब्लम है वो बता देंगे, शायद उन्हें चश्मा या नंबर भी उन्हें दिया जाएगा। हमारे हर साल यहाँ स्कूल में स्किन टेस्टिंग का, आई टेस्टिंग का, डेंटिस्ट टेस्टिंग का, वो सब टेस्टिंग होता ही है। अरुण देव जी के लिए तो हम पूरी स्कूल और हमारे संस्था चालक अमित पाटिल सर जी, उनकी तरफ से मैं उनका शुक्रगुजार करती हूँ। विद्या विकास मंडल स्कूल स्वयं में एक इतिहास छुपाए हुए है। इसकी स्थापना स्वर्गीय डॉक्टर भाल पाटिल साहब ने की थी, जो संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन में हिस्सा ले चुके थे। इस स्कूल में बच्चों को दी जा रही शिक्षा और यहाँ की साफ सफाई से मुंबई के पूर्व उप महापौर अरुण देव जी बहुत प्रसन्न हुए। जनता कल्याण केंद्र नामक संस्था भाजपा के वरिष्ठ नेता और मुंबई के पूर्व उप महापौर अरुण देव द्वारा चलाई जा रही जनता कल्याण केंद्र ये मुंबई को कैटरैक्स मुक्त करना चाहता है, और इस दृष्टि से पहले हमने मुंबई उर्दू स्कूल में एक कैंप किया। आई लोटस हॉस्पिटल है, उनके साथ मिलकर जनता कल्याण केंद्र ये काम कर रहा है। आज हम जिस स्कूल में हैं, विद्या विकास मंडल, ये मराठी मीडियम का स्कूल है, लेकिन ये स्कूल की विशेषता ऐसी है कि इस स्कूल के जो संस्थापक हैं डॉक्टर भाल पाटिल तो आज नहीं हैं, लेकिन डॉक्टर भाल पाटिल ये राष्ट्र सेवा दल के बड़े कार्यकर्ता थे, ये फ्रीडम फाइटर थे, इमरजेंसी में जेल गए थे, और ख़ास करके संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन में इनका योगदान बहुत बड़ा था। और जैसे महाराष्ट्र गुजरात से अलग हुआ संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन के बाद, तो 1956-57 में उन्होंने विद्या विकास मंडल ये स्कूल की स्थापना की। और आप देख रहे हैं कि ये स्कूल ऐसा है, मराठी माध्यम के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे, लेकिन मराठी गरीब बच्चों को सब प्रकार की सुविधा मिले, सब प्रकार टेक्नोलॉजी उनके पास जाए, नया ज्ञान उनके पास जाए, नवे एवेन्यूज उनको अवेलेबल हो, इस प्रकार से वो चला रहे। यहाँ सेमी इंग्लिश भी है, आपने देखा इनका एवी रूम भी बहुत बढ़िया है, साइंस लैब है, वाचनालय है। और सबसे बड़ी बात जो है, जैसे हम अलग स्कूलों में देखते हैं, जैसे आपने भी कहा इनके बाथरूम इतने अच्छे हैं, तो अपने प्राइम मिनिस्टर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है स्वच्छ भारत का, वो स्वच्छ भारत का भी यहाँ बच्चों के माध्यम से, यानी बच्चों के माध्यम से जो अवेयरनेस जाएगा वो मुझे लगता है आने वाले पीढ़ी तक काम करेगा। हमने सेकल यहाँ पे किया, इसी प्रकार से दो चार कैम्प करके फिर हम एक, मुझे लगता है कि हम लोटस के साथ बैठकर एक दफ़े आइडेंटिफाई कर लेंगे कि बच्चों का जब आई चेकअप करते हैं तो उसकी सही समस्या, उसके चेकअप जब करते हैं तो यहाँ उनको चेकअप में तो बताते हैं कि इनमें कमी क्या है। समझो
पोषण की कमी है तो उसको किस प्रकार से ये क्या यानी रेमिडियल जो है चश्मे दिए जाते हैं, लेकिन इसके आगे भी कुछ करना होगा रेमिडियल के दृष्टि से, वो भी हम पूरा करेंगे जनता कल्याण केंद्र। और जिनके लगता है बच्चों में तो कैटरेक्स का बहुत कम है, लेकिन इसके साथ साथ स्कूल का जो स्टाफ है, टीचर्स है, सीनियर सिटीजन्स हैं, इसको भी साथ लेकर फ्री कैटरेक्स जो है कल्पना है उसको पूरा करेंगे। यहाँ जांच के दौरान बच्चों में मायोपिया जैसी बीमारी आमतौर से देखी गई। ये बच्चों में लगातार टीवी देखने, कंप्यूटर और मोबाइल पर गेम खेलने के साथ ही फिजिकल खेल कम खेलने की वजह से हो रही है। अच्छा। ना हुआ चेकअप? नहीं। आकांक्षा ये। आकांक्षा कैसा लग रहा है अभी टेस्ट होने जा रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे दूर से देखना चाहिए फिर। ये प्रॉब्लम है? हाँ। किस क्लास में पढ़ती हो? फिफ्थ। दूर से प्रॉब्लम है, दूर का देखना है? हाँ? दूर का देखना है प्रॉब्लम? हाँ। आकाश आनंद निकम। क्या हुआ तुम्हें टेस्ट किया गया अभी? हाँ। कैसा निकला? कुछ अच्छा नहीं दिख रहा था। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है किसी तरह का? तकलीफ नहीं हुई? टीवी देखते हो? हाँ। मोबाइल देखते हो? लोटस आई हॉस्पिटल डॉक्टर राजेंद्र यादव के साथ आबिद नकवी, प्रेस 9 न्यूज़, मुंबई।